नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पिछले एक साल से, दो साल से या तीन साल से आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, कल आपका जेट प्रीपीजी और पीएचडी का एग्जाम है 14 मई को, और आपने इस 14 मई के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। अपने लाइफ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट पिछले एक साल या दो साल या तीन साल आपने इस एग्जाम के लिए दिए हैं, तो डेफिनेटली हर एक बच्चे का टारगेट है इस एग्जाम में सक्सेस को अचीव करना। किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन के अंदर एक सक्सेस आपको मिलनी है, और डेफिनेटली आपको वो सक्सेस मिलेगी। कल जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी आएगी, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी आएगी, लेकिन इन सबके बीच में एक कॉमन चीज ये है कि थॉट जरूर आए। और अगर आपने इस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपनी नेगेटिव थॉट के ऊपर कंट्रोल कर लिया बेटा आपने, तो आपने आधी जंग तो वहीं पे जीती। आपकी लाइफ के दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होने वाले हैं कल के एग्जाम के अंदर। अगर पेपर हार्ड आ जाता है बेटा, तो अपने आप को उस सिचुएशन में कंट्रोल रखना है, अपने आप को वहां पे होल्ड रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं। और अगर पेपर इजी आ गया है तो पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर, दो ही सिचुएशन है, और दोनों सिचुएशन का जो मेन आंसर है वो ये है कि आपको ना वहां पे घबराना है और ना ही वहां पे आपको अपने आप का पेशेंस खोना है। अगर दोनों में से एक भी चीज में गड़बड़ हुआ तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे थे वो भी गलत कर दोगे, और हार्ड वाली सिचुएशन में आप वहां पे पैनिक होके अपने एग्जाम में कुछ नेगेटिव डिसीजन ले लेंगे जो आपको एग्जाम से बाहर निकलाने के लिए काफी है। तो अपने माइंडसेट को वहां पे कंट्रोल रखना है इस लाइफ के एग्जाम के अंदर बोल लो, या फिर आपके कल जेट प्रीपीजी और पीएचडी के एग्जाम की बात कर लो। सभी के अंदर दो चीजें होती है बेटा, एक आपका हार्डवर्क और आपकी रेगुलरिटी, जो हर एक बच्चे ने डेफिनेटली की। पिछले एक साल या दो साल से वो रेगुलर मेहनत कर रहा है, और केवल इस एक दिन के लिए मेहनत कर रहा है, और दूसरा होता है भगवान की मर्जी। और यकीन मानो, डेफिनेटली कल के एग्जाम में जो भी होगा बेस्ट होगा, अच्छा होगा। हो सकता है कि कल आपको ये चीजें फील ना हो, लेकिन लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पे ये चीज आपको जरूर फील होगी कि जो भी हुआ था वो बेस्ट हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये 2 आवर का एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ के बहुत अहम चीजें डिसाइड कर रहा होता है। लेकिन ये कभी, ये 2 आवर है, कभी इस चीज की गारंटी नहीं देंगे आपको कि इस 2 आवर में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया और इस 2 आवर में आपने कुछ चीजें अचीव कर ली या नहीं कर पाए, तो ये आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड कर देगा कि आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये 2 आवर आपका हर एक लाइफ के हर एक सक्सेसफुल को या फिर फेलियर को डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कल का ये 2 आवर का एग्जाम है अपने दिल और अपने दिमाग, अपने दिल और अपने दिमाग को साथ में रखकर देना, और देखिए फिर किस तरीके से बेहतरीन रिजल्ट आता है। बस आपको अपने आप का 100% देना है, इसके बाद में कुछ नहीं सोचना। क्या होगा क्या नहीं होगा वो सेकेंडरी चीज, फर्स्ट चीज ये है क्या मैंने मेरा 100% दिया, और अगर मैंने मेरा 100% दिया तो मुझे किसी और चीज से ना कोई फर्क पड़ता है और ना ही मुझे किसी चीज और चीज के बारे में कुछ बात। कहा जाता है ना कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आप शोर मचाए। अब वो दिन आ गया है जहां पे सफलता आपकी शोर मचाएगी, और कल का एग्जाम बेटा आपको फोड़ के आना है। कल का एग्जाम इस तरीके से करके आना है कि लाइफ में हर एक दिन जब भी आप किसी स्ट्रगल में हो तो आपको ये डी हमेशा याद रहे कि वो एक दिन था जिस दिन मैंने मेरा 100% दिया और मैंने वो अचीव किया जो मुझे चाहिए, और डेफिनेटली आप ये कर पाओ। जब मुझे आपके ऊपर इतना बिलीव है तो आपको खुद को अपने ऊपर क्यों बिलीव, आप कर सकते हो। हर एक वो बच्चा जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो हर एक चीज कर सकता है, अगर उसके अंदर बिलीव सिस्टम डेवलप हो जाए। अपने ऊपर बिलीव करना सीखो, अपना 100% देने के बाद में दूसरी चीजों के बारे में टेंशन लेना छोड़ो। बस अपना बिलीव सिस्टम डेवलप करो कि जी मैं ये एग्जाम देने जा रहा हूं और मैं क्रैक कर दूंगा इस एग्जाम को, मुझे कोई नहीं रोक सकता, फिर लाइफ की हर एक मुश्किल आपके लिए आसान।
कहा जाता है ना कि जब तक किसी चीज को कर नहीं लेते हो तब तक वो चीज हार्ड लगती है, और जैसे आपने वो चीज अटेम्प्ट कर ली उसके बाद में वो चीज आसान लगने लग जाती है। वो आपका दिन आ चुका है कल का दिन, और हर एक बच्चा ये सारी चीजें कर पाएगा डेफिनेटली। लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जिसके अंदर डिसीजन आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और कल की एग्जाम भी आपका उसी का एक पार्ट है जिसमें आपके डिसीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग के 10 टू 15 मिनट आपकी लाइफ के ऐसे होने वाले हैं जो सबसे टफेस्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि इन 10 टू 15 मिनट के अंदर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने आप को शांत कर लिया, अपना पेशेंस नहीं खोया आपने, या आप घबराए नहीं, तो फिर बाकी पेपर में आपको कोई नहीं। बाकी के जो रिमेनिंग 1 आवर 45 मिनट है ना, वो आप आराम से निकाल सकते हो और एक अच्छे पेपर के साथ, एक अच्छे रैंक के साथ आप उस एग्जामिनेशन रूम से बाहर। इस 2 आवर की एग्जाम के बाद मैं मिलूंगा आपके साथ एक बेहतरीन एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में, और आप हर एक बच्चा वो बेहतरीन एग्रीकल्चरिस्ट बन पाएगा इस 2 आवर के एग्जाम के बाद में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक सभी।